नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश। वेलकम टू प्लांट केयर गिवर। आज मैं एक ब्लॉग वीडियो लेकर आया हूं और इसमें मैं काफ़ी कुछ कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं वो प्लांट जो कि आज मैंने पत्ते से ग्रो किया हुआ है। तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं, इसे मदर ऑफ थाउजेंड कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, और इनके पत्तों पर ही थाउजेंड ऑफ प्लांट्स, इस तरह के छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं, इसी कारण इसे मदर ऑफ थाउजेंड कहते हैं। तो देख सकते हैं इसे ग्रो करना भी बहुत ही आसान है, ताकि जो बेबी प्लांट होते हैं उन्हें आप प्लांट से अलग कर लीजिए और वेल ड्रेन सॉइल में इसके इस प्लांट को इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए। ऐसा कंटेनर लीजिएगा जिसमें आप डेली वाटरिंग करते हों, नहीं तो ये इतने बारीक से छोटे होते हैं कि सूख भी जाते हैं। और ये जो आप कह रहे हैं, इसे लोकल लैंग्वेज में पतरचट्ठा कहते हैं। इसके भी प्लांट से या पत्ते से सके छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं, जिससे आप इसे भी ग्रो कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें रूट्स पहले से ही होती हैं, तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है, कोई भी टेंशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा पत्ता भी, जिसमें कोई भी बेबी प्लांट ना हो, उसका पत्ता तोड़कर ऐसे कंटेनर में रख दीजिए जिसमें डेली वाटरिंग करते हों, तो वो भी ग्रो हो जाता है। और देख सकते हैं इस पत्ते में तो काफ़ी सारे छोटे छोटे प्लांट लगे हुए हैं, थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब मैं इन्हें इस कंटेनर से निकाल कर काफ़ी सारे प्लांट तैयार करूंगा। और देख सकते हैं प्लांट तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, लगभग 3 साल हो चुके हैं। इससे इसमें दूसरा प्लांट है, ये जीजी प्लांट, बहुत ही महंगा ये नर्सरी में मिलता है। मैंने खुद इसे 180 रुपीज़ में एक सिंगल प्लांट परचेस किया था। और इसे ग्रो करना बहुत ही आसान है, ये भी पत्ते से ग्रो हो जाता है। ये मैंने कुछ महीनों पहले इसमें पत्ते लगाए थे, तो देख सकते हैं सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल आए हैं। और धूप में ये काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, तो लीफ आपको थोड़ी सी बर्न सी दिख रही होंगी, तो इसे फटाफट मैंने आज वीडियो ख़त्म होने के बाद शेड में रखा है। तो आप इसके इस तरह से पत्ते लीजिएगा। ये पुराने थे तो वैसे भी थोड़े दिनों बाद ख़राब हो जाते, तो मैंने इसे कट कर लिया और इसे मैं नए पौधे तैयार कर लूँगा। हाँ, पौधे तैयार करने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लगभग 4 से 5 मंथ हो जाते हैं इसको पौधे में कन्वर्ट होने में। पहले तो इससे जो है वो ट्यूबर बनते हैं, फिर रूट्स आता है, फिर धीरे धीरे बेबी प्लांट इसका बनता है। और इसलिए इसमें अगला प्लांट है जो कि पत्ते से मैं आज ग्रो कर रहा हूँ, वो है ये पतरचट्ठे का प्लांट। बहुत ही सुंदर ये प्लांट होता है, मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी बहुत ज़्यादा है, और ग्रो करना तो बहुत ही आसान है। इस तरह के पत्ते ले लीजिए, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और हाँ, विंटर में इस पर ब्लूमिंग भी होती है, और ब्लूमिंग बहुत ही सुंदर इसकी लगती है। स्टॉक में फ्लावर्स खिलते हैं काफ़ी ऊंचाई पर, तो बहुत ही सुंदर ये विंटर में लगता है ये पौधा। इसके अलावा आप ये सेंसेविलिया भी सिंगल पत्ते से ग्रो कर सकते हैं। देख सकते हैं कंटेनर में लगाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। और ये सर्विंग मैंने काफ़ी दिनों पहले ये पॉट परचेज़ किया था, उतने टाइम मुझे ये 80 रुपीज़ में मिल गया था। कभी कभी लक होता है कि नर्सरी वाले काफ़ी सस्ते में हमें पॉट दे देते हैं, और ये पॉट तो मैंने 70 रुपीज़ में ही परचेज़ किया था। तो सर्विंग मुझे सेंसेविलिया मुझे सर्विंग पॉट में भी पॉट में अच्छा लगता है, और ये कंटेनर तो मैंने फ्री में ही बोतल से बनाया था, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और चलिए देख लेते हैं कि इसे ग्रो कैसे करते हैं। तो इसके जो थोड़े से अनहेल्दी से पत्ते हों, उन्हें आप कट कर लीजिए और उससे आप इसे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि नए पत्ते अगर आप हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो कभी कभार पौधा जो है वो भी देखने में उतना सुंदर नहीं लगता। तो सबसे लास्ट वाला मैंने पत्ता निकाला है, और देख सकते हैं ये मैंने कुछ महीनों पहले लगाया था, तो इसमें भी 2 इस तरह के प्लांट निकल आए हैं। आप इसे सॉइल में भी डायरेक्ट इस तरह से दबाकर ग्रो कर सकते हैं, या फिर वाटर में डाल देंगे तो उससे भी 2-3 महीनों में बेबी प्लांट बन जाते हैं। ये भी देख सकते हैं, ये भी रिज़ल्ट देख लीजिए, इसमें बहुत सारी रूट्स आई हुई हैं, उस तरह के छोटे छोटे बेबी प्लांट भी आ रहे हैं अभी बहुत बार। तो दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों में ही आपको बढ़िया रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और सेंसेविलिया बहुत ही हार्डी प्लांट भी है, शेड हो या धूप हो, दोनों जगहों पर अच्छे से ग्रो हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं कलांचू है, देख सकते हैं अभी समर में भी इस पर इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर्स जो हैं वो खिल रहे हैं, और इसे भी आप सिंगल पत्ते से ग्रो कर सकते हैं। इस तरह का पत्ता आप तोड़ लीजिए और कंटेनर में इस तरह से रख दीजिए।
मैं इसे दबाता नहीं क्योंकि दबाने पर कई बार ये गल भी जाता है। तो देख सकते हैं इस तरह से अलग अलग मैंने सॉइल मिक्स या फिर अलग अलग कंटेनर यूज़ किया है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं अम्ब्रेला प्लांट, ये भी देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और ये भी पत्ते से बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाता है। और समर में कुछ हिस्सा की अभी फ़िलहाल हालत है इसकी, जैसे जैसे बारिश होगी और भी अच्छे से ये ग्रो हो जाएगा, क्योंकि अभी गर्मियाँ ही इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि पौधे बच ही जाएँ वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ग्रीन नेट वगैरह तो मेरे गार्डन में कहीं भी नहीं है, तो बस पौधे चल रहे हैं किसी तरह से। और देख सकते ये जो आप देख रहे हैं ये भी मैंने इसमें भी पत्ते दबाए थे तो इस तरह के छोटे छोटे प्लांट निकल आए हैं। और देख सकते हैं मेन पत्ता जो है वो अब गल भी चुका है, लेकिन उससे नए प्लांट मेरे जो है वो तैयार हो गए हैं। तो ये भी सिंगल पत्ते से ग्रो हो जाता है। अभी जो मैंने मदर प्लांट आपको दिखाया था वो खुद ही मैंने इसी तरह के पत्तों से ही ग्रो किया था, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। देख सकते हैं कट करके कुछ भाग और इसे उल्टा इस तरह से पानी में डाल दीजिए, इसमें रूट्स आएंगे फिर बेबी प्लांट आएगा, उसके बाद आप मिट्टी में दबाएंगे तो और भी बढ़िया रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसे मैंने फ़िलहाल शेड में रखा है, धूप में रखेंगे तो पानी आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा धूप से जो है वो गर्म हो जाता है तो पौधे ख़राब भी हो सकते हैं, तो शेड में ही आप रखिएगा। इसके अलावा ये जो आप देख रहे बनी ईयर कैक्टस, ये भी आप सिंगल पत्ते से ग्रो कर सकते हैं। और काफ़ी सालों पहले मैंने इसे परचेज़ करके लाया था और कटिंग लगा कर मैंने इसके काफ़ी सारे जो हैं वो पौधे बना लिए हैं और अभी भी मैं इसे इस तरह से लगाता रहता हूँ, तो बहुत ही आसानी से ये भी सिंगल पत्ते से ग्रो हो जाता है। इसके अलावा इसका रिज़ल्ट मुझे पता नहीं क्यों हर बार ख़राब ही देखने को मिलता है, ये ब्रह्म कमल है, ये ओरिजिनल वाला ब्रह्म कमल नहीं है जो कि हिमालय पर लगता है, वो तो मैंने आपको एक बार वीडियो में दिखाया था जब मैं घूमने गया था, लेकिन ये जो एक सकुलेंट की वैरायटी है और इसे भी ब्रह्म कमल ही कहते हैं। ये है मेरे 4 साल पुराने सेंसेवेरिया के प्लांट, इनके कंटेनर अब देखने में सुंदर नहीं लग रहे हैं, तो मैंने परचेज़ किया ओरेले के ये प्रीमियम क्वालिटी के ग्रो पैक जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये प्रीमियम क्वालिटी के हैं और हैंडल होने के कारण इन्हें मूव करना आसान हो जाता है, तो इनमें मैं ग्रो करने वाला हूँ ये सेंसेवेरिया के प्लांट। वेल ड्रेन सॉइल मैंने बना लिया है, सेंसेवेरिया बहुत ही हार्डी प्लांट है, लो लाइट कंडीशन में भी ये अच्छे से ग्रो हो जाता है, और तो और इसे आप सिंगल पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वेरिगेशन वाले में वेरिगेशन नहीं आएगा अगर आप इसे पत्ते से ग्रो करेंगे। तो अगर आप भी ये ग्रो बैग परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैंने बायो में और स्टोरी में शेयर किया है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बस हो गया। हाय हाय, हम लोगों के पास आपके लिए ये देखिए।